नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज पुण्यतिथि है अटल जी की और पीएम मोदी पहुंचे हैं सभा स्थल पर, जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अटल जी को नमन किया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आज अटल जी की पुण्यतिथि है और इसी मौके पर अटल जी को नमन किया जा रहा है। पूर्व पीएम अटल जी की पुण्यतिथि आज है, अटल जी को नमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अटल जी को नमन किया जा रहा है। सदैव अटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और कई सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। अटल जी को नमन किया जा रहा है। सदैव अटल पहुंचे हैं पीएम मोदी, उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। पूर्व पीएम अटल जी की पुण्यतिथि आज है और नमन करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप दिल्ली से देख रहे हैं। अटल जी को नमन करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उनके कई सारे केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। सदैव अटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल जी को नमन करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व पीएम अटल जी की पुण्यतिथि आज है और नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सदैव अटल पर राष्ट्रपति पहुंचे हैं, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति भी पहुंचे हैं और नमन किया जा रहा है उनके द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फूलों के साथ। ये तस्वीरें आप दिल्ली से लाइव देख रहे हैं। सदैव अटल की तस्वीरें हैं, जहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदैव अटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ उनके कई सारे केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं उनके साथ, और अटल जी को नमन किया जा रहा है। राष्ट्रपति पहुंचे हैं, उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं, और राष्ट्रपति ने नमन किया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल जी को नमन किया। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और कई सारे केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, वो भी नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व पीएम अटल जी की पुण्यतिथि आज है और अटल जी को नमन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है, पीएम के साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति ने भी अटल जी को नमन किया। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अटल जी को नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति ने नमन किया अटल जी को, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति ने भी नमन किया अटल जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उन्होंने भी अटल जी को नमन किया, श्रद्धांजलि दी, और उनके साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जिन्होंने नमन किया अटल जी को, और कई सारे दिग्गज केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं जिन्होंने अटल जी को नमन किया, और अभी भी नमन करना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में मंत्री पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को नमन किया। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति ने अटल जी को नमन किया, आज अटल जी की पुण्यतिथि है और अटल जी को नमन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है अटल जी को। पीएम के साथ अमित शाह भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति ने भी अटल जी को नमन किया। सदैव अटल की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर अटल जी को नमन किया जा रहा है।
पूर्व पीएम अटल जी की पुण्यतिथि आज है और अटल जी को नमन किया जा रहा है। दिल्ली से ये इस वक्त आप सदैव अटल से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, राष्ट्रपति ने भी अटल जी को नमन किया। सदैव अटल की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूर्व पीएम अटल जी की पुण्यतिथि आज है और अटल जी को नमन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, पीएम के साथ अमित शाह भी मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बताएं, राष्ट्रपति ने भी अटल जी को नमन किया है। आगे बढ़ते हैं और भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हुआ है मॉनसून। गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदला है। पूर्वी हिस्से में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग में बारिश की आशंका है। 3 दिन बाद 2 नए सिस्टम बनेंगे। मॉनसून ब्रेक होने से पिछले 10 दिन से तेज बारिश नहीं हुई। फिर से प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से बारिश की आशंका है। पूर्वी हिस्से में बारिश का अनुमान जताया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, कई दिनों से बारिश का इंतजार सभी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उमस महसूस होने लगी थी और कई हिस्सों में तो बारिश हो ही नहीं रही थी। अब फिर से मॉनसून एक्टिव हुआ है। जी ऋतु, अगस्त के महीने की अगर बात कर ली जाए तो प्रदेश भर में जो झमाझम बारिश है वो अभी फिलहाल नहीं हुई है और लोगों को एक बार बेसब्री से इंतजार है कि बारिश, तेज बारिश हो और खासकर के जो प्रदेश भर में जो बारिश का कोटा है वो भी अभी फिलहाल पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो एक्टिव हुआ है और इसका असर मध्य प्रदेश में आज और कल दिखाई देगा और इसी के चलते मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर संभागों सहित प्रदेश भर के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर बात करनी जा रही तो बीते 10 दिनों से जो तेज बारिश है वो नहीं हुई है, लेकिन अगर जिस तरीके से सिस्टम अभी फिलहाल एक्टिव हुआ है और प्रदेश भर के 26 से ज्यादा जिलों में अगर बारिश होती है तो उम्मीद यही है कि जो बारिश का कोटा है वो पूरा हो सके। लेकिन अभी फिलहाल जो हल्के हल्के बादल है वो छाए हुए हैं और उम्मीद यही है कि बारिश हो और जिस तरीके से अभी सामान्य बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है, अगर तेज बारिश होती है तो शायद ये उम्मीद पूरी होती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल भारी बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और 1 से 2 दिनों तक ज्यादातर जिलों में भारी बारिश को लेकर जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी रंजना। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, अमित शाह और जेपी नड्डा ये बैठक लेंगे। चुनावी रणनीति पर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। तो बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है, अमित शाह और जेपी नड्डा ये बैठक लेंगे, चुनावी रणनीति पर मंथन होगा और आखिर क्या ज्यादा जानकारी है इसके के लिए हमारे सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रंजना, बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की, आखिर कितनी खास ये बैठक रहेगी क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा ये बैठक लेने जा रहे हैं। जी ऋतु, विधानसभा चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कम समय बचा है जब चुनाव होने जाने हैं और जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची भी जारी की जानी है। लेकिन इससे पहले जो ये आज की बैठक होने वाली, इसमें आगामी चुनाव को लेकर जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा की जाएगी क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो अभी 2 से 3 बार मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल इंदौर का दौरा कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जो तमाम बीजेपी के लीडर्स हैं उनको चुनावों के से कई तरह की जो निर्देश है वो भी दिए गए थे, इसको लेकर जो रिपोर्ट है वो भी ली जाएगी। कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने को लेकर जो उत्साही मंत्र है, जो जीत का मंत्र है वो भी उन्होंने दिया था, और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जुटने को लेकर जो निर्देश दिए गए थे उसको लेकर भी इस बार रिपोर्ट ली जाएगी। और खास करके अभी जिस तरीके से टारगेट दिए गए थे कि तमाम जो नेता है वो एकजुट होकर काम करें, योजनाओं को लेकर जमीनी स्तर पर पहुंचाएं, तमाम जिलों की जो रिपोर्ट है वो भी तैयार की जाए, विधायक कौन किस तरीके से वहां पर काम किया है, स्थानीय जनप्रतिनिधि वहां पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर जो आगे की रणनीति है वो तैयार की जाएगी क्योंकि आने वाले दिनों में जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची भी जारी की जानी है। मध्य प्रदेश में जो हर एक बूथ को मजबूत करने का टारगेट है वो भी रखा गया था और एकजुट होकर पूरी तरह से बीजेपी चुनाव में जुटे उसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। और खास करके मध्य प्रदेश में जो लक्ष्य रखा गया है साल 2018 के चुनाव से लेकर इस बार 2023 के चुनावों में उसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ऋतु, तो विधानसभा चुनावों के लिहाज से ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है और मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोगों को किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अगर उसमें किसी तरह से समस्याएं आ रही हैं तो उनका समाधान वहां पर किस तरीके से किया जा रहा है और कितनी जमीनी स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक्टिव हैं या नहीं है, जनता के बीच पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज की इस बैठक में बारीकी से चर्चा की जाएगी और फिर आगामी चुनावों के लिहाज से जो रणनीति है वो भी तैयार की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। खबर सीधी से है, जहां सांसद रीति पाठक को एक गांव के स्कूल में कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसी बात से नाराज युवकों ने सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सांसद इस घटना को नजरअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। हालांकि सीधी कलेक्टर ने युवक का धमकी देने वाला वीडियो बनाने का आदेश अपने मातहतों को दिया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। इंदौर में तिरंगा यात्रा पर पेट्रोल बम से हमला, दरगाह चौराहे पर बाइक सवार 3 युवकों ने फेंके पेट्रोल बम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नरसिंहपुर में कबाड़ में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बुझाई आग। एमपी में जेएस के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश ध्रुवे की सड़क हादसे में मौत, बैतूल में बेकाबू बुलेरो की टक्कर से मौके पर गई जान, लोकगीत गायक भी थे मुकेश।